सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। हमारे स्वभाव संस्कारों की वो चादर है जो घर की इज्जत को ढक कर रखते हैं। ए दोस्त, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमीन भी जरूरी है। आज का पंचांग 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 8:41 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 8:32 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को पाश्चर व एकादशी की शुभकामनाएं। मकर राशि 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार, हाल ही में हुई हानि या भाग्य में बदलाव आपकी चिंता या अवसाद का कारण बन सकता है। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। योग ध्यान चिकित्सा या आध्यात्मिक उपाय इस समय आपका काम बनवा सकते हैं। आज आप आशावाद और सकारात्मकता से भरे हुए हैं। उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता और इस समय आपके पास दोनों ही हैं। बस एक नई शुरुआत करें। विचार करने के लिए खूब समय लें, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में लग जाएं। अपने आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहें, जिससे फाइनेंस को लेकर होने वाली समस्या से बच जाएंगी। नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर का प्लान बनेगा, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। अनेक कामों से संबंधित काबिलियत होने के बाद भी आपको विश्वास की कमी महसूस हो सकती है। विचार करने में अधिक वक्त जाया हो सकता है। दूसरों की मदद करते समय आपकी उदासीनता ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। यदि कोई भी बात आपके विरुद्ध नजर आ रही है तो आज ऐसी बातों से खुद को दूर रखना होगा। काम से संबंधित मार्केटिंग पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्टनर से विवाद हो सकता है, कठिन समय में एक दूसरे का साथ देंगे। आपको वहां सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना है। संतान के व्यवहार में कुछ बदलाव आ सकता है जो आपको समस्या देगा। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की यासत आ सकती है जिनसे आप मिलने जा सकते हैं। आपको अपने सहकर्मियों की बातों का विरोध करने से बचना होगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में भी बिताएंगे। सावधानियां। बढ़ती जिम्मेदारियों से चिंतित होने के बजाय उन्हें सही ढंग से पूरा करें तथा खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखें। आपसे सामंजस्य में कमी की वजह से संबंधों के बीच कुछ तनाव भी बन सकता है। लेनदेन संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप अपने साथी की जुदाई के कारण तनहा महसूस करेंगे, जिससे आपको मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ समय अकेले में बिताएं और अपने साथी से जुड़ने के लिए नेटवर्किंग का प्रयोग करें। भय और डर छोड़कर आत्मविश्वास से काम लें। आज आपको स्वयं में कुछ ऐसे सुधार लाने की सलाह दी जाती है जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। नए रिश्ते को शुरू करने और पुराने रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए अच्छा समय है। साथी को चॉकलेट और अपने प्यार की गर्म जूसी को उपहार दें और अपने प्रेम भरे जीवन का आनंद लें। बात करते हैं करियर की। परिवर्तन करना चाहेंगे। आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको देर रात मेहनत करनी होगी। आर्थिक लाभ के लिए धन व्यय या निवेश करते समय सावधानी बरतें। आपके दोस्तों और रिश्तेदार भी आपकी कंपनी का आनंद लेंगे। आज भगवान स्वयं आपके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाने के लिए आपको
प्रसिद्धि और जीत दोनों का आशीर्वाद देंगे। कड़ी मेहनत इस दिन का मंत्र है, लेकिन आपको अपनी सहकर्मियों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के क्षेत्र के लोगों को आज उन्नति के नए मार्ग भी मिलेंगे। व्यवसाय में आपकी अच्छी छवि की वजह से मार्केट से आपको अच्छा ऑर्डर मिलने की संभावना है, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज करने से परेशानियां बढ़ेगी। फूड डिलीवरी से जुड़े व्यवसाय में सतर्क रहने की जरूरत है। नौकरी पेशे लोगों को टूर पर जाने का मौका मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। गैस व बासी वाली चीजों से परहेज करें। इन समस्याओं में आयुर्वेदिक इलाज लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। योग के जरिए सेहत में सुधार करना भी संभव है। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। गणेश भगवान जी की पूजा करें और काली तिल चढ़ाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।